नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। हम लोग बिहार स्पेशल में पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे, पॉलिटी को पढ़ रहे थे हम लोग। और बिहार स्पेशल में पॉलिटी में हम लोग चर्चा कर रहे थे राज्य की कार्यपालिका के बारे में ना। हम लोग कार्यपालिका में राज्यपाल को पढ़े थे और आगे हम लोगों का अब जो होगा मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पूरा का पूरा समझते हैं क्या क्या सिस्टम है। देखिए, थोड़ा सा हम बता दें कि आपको पहले भी चर्चा किए थे कि सरकार के तीन अंग होते हैं। हम लोग बोले थे जैसे कि सरकार कौन होता है, जैसे बिहार को चलाता है सरकार, चलाता है देश को, चलाता है सरकार, चलाता है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो सरकार के तीन अंग होते हैं, हम लोग चर्चा किए थे। हम शॉर्ट में यहाँ बताते हैं, एक तो होता है कार्यपालिका, कार्य पालिका, दूसरा होता है विधायिका, दूसरा विधायिका, और इसमें तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। हम लोग बोले थे कि ये तीनों मिलके सरकार चलाती है। कार्यपालिका का काम है कार्य का कार्य को लागू करवाना, विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका कानून लाएगा, कोई भी कानून बनाएगा कि बिहार में जैसे शराब बंद होना चाहिए, तो वो विधायिका कानून लाएगा, कार्यपालिका उसको लागू करेगा। न्यायपालिका अगर कोई नहीं मानता है उस बात को तो न्यायपालिका जो है उस पर न्याय करेगा, कई साल की सजा होना चाहिए क्या होना चाहिए। पढ़े थे हम लोग ये देखे थे कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है। तो हम लोग देखे थे कि कार्यपालिका के अंतर्गत इसमें राज्यपाल आता है, जिसको हम लोग पढ़ लिए थे, इसको पढ़ लिया है हम लोग। इसी में देखे थे कि मुख्यमंत्री आता है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा में मंत्री परिषद आता है, इसमें मंत्री परिषद आता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आज, मंत्री परिषद। इसी में हम लोग देखे थे महाधिवक्ता आता है, महाधिवक्ता आता है, इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। अब देखिए, ये तो कार्यपालिका हो गया। विधायिका के अंतर्गत हम लोग बोले थे कि बिहार में विधान मंडल है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है थोड़ा सा चर्चा इसका भी करेंगे। विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद है बिहार में। न्यायपालिका तो आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय और हाई कोर्ट है ना, पटना उच्च न्यायालय है। तो ये इस तरीके से सरकार चलता है, यानी कि कानून ये बनाती है, लागू ये करवाती है, कोई नहीं मानता है तो न्याय करता है। ठीक है, पहले चर्चा कर दी है इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। अब देखिए, अब राज्यपाल होता है तो मुख्यमंत्री, पहले इसको हम एक फ्रेम में समझ लें। कई बार बता भी चुके हैं हम लोग, आज मुख्यमंत्री के बारे में जब पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री है, अब इसको समझिए थोड़ा सा आप लोग। मान लीजिए कि ये हमारा बिहार है, ठीक है, बिहार है ये। बिहार में जो सरकार जो चलता है, ये पूरा का पूरा विधानमंडल सरकार को चलाती है। कौन चलाती है? विधानमंडल। देखिए थोड़ा सा, विधानमंडल चलाती है। ठीक है, अब विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है? विधानमंडल के अंतर्गत सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे राज्यपाल आता है, राज्यपाल। बिहार में विधानमंडल में विधानसभा है और विधान परिषद है, तो यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम में बैठा लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक हो गया राज्यपाल, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा विधानसभा, और दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद तीन मतलब अंग होते हैं विधानमंडल के, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, आपको पता है कि ये पूरा का पूरा विधान मतलब कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है, यानी कि 243 वो विधायक होता है पूरा बिहार में ना, पढ़ा चुके हैं। अब यही 243 को विधायक में एक व्यक्ति, यानी कि 243 में जो भी आधा से अधिक व्यक्ति जिसको सपोर्ट कर दे, मान लीजिए 243 विधायक है, उसमें से कोई एक विधायक इस सब का मंत्री बन जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे मुख्य मंत्री।
अब पार्टी पॉलिटिक्स आपको पता ही है कि अलग अलग पार्टी से इसमें मेंबर होते हैं, जो ज्यादा सीट लाएगा आपको पता ही प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका, तो 243 में से आधा कर दीजिए आप तो 144 122 वो विधायक जिस व्यक्ति को सपोर्ट कर देगा वो मुख्यमंत्री बन जाता है। पता है आपको, इसमें ज्यादा कर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जिनको कम समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा कि और सर्च हो रहा और डिटेल्स में जाइए। तो जिनको मतलब बेसिक नहीं आता है क्या क्या है, पहले भी बता चुके हैं, इसी वो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो विधानसभा होता है विधान, आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है। आप लोग जाते हैं एमएलए को, आपका क्षेत्र है अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कि मेरा मनिहारी विधानसभा क्षेत्र है, तो मनिहारी में कई पार्टी के विधायक खड़ा होंगे, कांग्रेस जो भी है, आरजेडी है, जदयू है, सब खड़ा होंगे, उसमें एक को हम दे देंगे। जो भी जीतेगा वो कहाँ चल जाएगा, विधानसभा में ना। उसी तरीके से जो पार्टी का सबसे, जो पार्टी का विधायक सबसे ज्यादा यहाँ पहुंचेगा उसी पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ बन जाएगा, और कभी कभी दो तीन पार्टी मिल करके बन जाएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें से तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राज्यपाल को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब मुख्यमंत्री जो है विधानसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है, सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होता है, यानी कि विधानसभा में उसको बहुमत हासिल करना होगा, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि कहाँ बैठता है, विधानसभा में। विधान परिषद के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कहाँ पे बहुमत हासिल करना होता है, विधानसभा में। ठीक है, कई लोगों को विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, लोकसभा पता नहीं है। हम हाल फिलहाल में एक न्यूज देख रहे थे, एक मीडिया वाला एक लड़का को रोक दिया बाइक से और उनको पूछा कि भाई आप बताइए कि आपका एमपी कौन है, तो बोलता है कि एमपी क्या होता है, हमको नहीं पता, विधायक फलां व्यक्ति है। तो उसके पूछ रहा है कि विधानसभा में जो बैठता है वो कौन है, बोलता है हमको नहीं पता, आप कितना पढ़े, बोलता है हम बीएड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये न्यूज में आता है, हम ये नहीं कह रहे हैं वो बीएड कर लें जानना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, जानकारी तो होनी चाहिए ना भाई, बीएड कर लिए हैं, शिक्षा का भी तो कोई मायने है, तो ये बातें हैं, इसलिए इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप ये समझ पाएंगे कि कैसे वोट देना है, कैसे क्या चीजें होती है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए, तो मुख्यमंत्री जो होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, आप लोग लिखते चलिएगा। तो कार्यपालिका में आप लोगों को हम बोले ही थे कि कार्यपालिका कार्य को लागू करवाने का काम करता है, कोई भी कानून बना तो उसको लागू करवाने में तो मुख्यमंत्री अहम रोल निभाता है। तो मुख्यमंत्री क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ऐसे कानूनी रूप से तो राज्यपाल होंगे लेकिन वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्य को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा। अब ये मंत्री परिषद क्या होता है, देखिए, तो मान लीजिए कोई भी पार्टी का मेंबर यहाँ पे जीते तो ये लोग मिल करके पूरे राज्य को चलाने के लिए मंत्री परिषद का गठन करते हैं, मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, ये मंत्री परिषद का गठन करते हैं, कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री सलाह देंगे राज्यपाल को, यही विधायक में या विधान परिषद में कोई भी मेंबर को, किसी किसी मेंबर को अलग अलग मंत्री, खनन मंत्री, जल मंत्री, ऊर्जा मंत्री, सब प्रकार का मंत्री बना दिया जाएगा, रक्षा मंत्री। ठीक है, इसी से, तो इसी को मंत्री परिषद कहते हैं, इसी का मेंबर और इसी का मेंबर यहाँ पे रहेगा मंत्री परिषद में। तो ये किसको सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए। ठीक है, सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा, यानी कि राज्यपाल कोई भी काम करेगा तो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। अब मंत्री परिषद का मुख्य व्यक्ति कौन है, सीएम है, क्योंकि सीएम की सलाह से ही मंत्री परिषद होता है। अब सीएम बेचारा कहाँ का बहुमत दल का नेता, तो सीएम विधानसभा का बहुमत दल का नेता। तो जब सीएम विधानसभा का बहुमत दल का नेता है तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा।
ठीक है, मुख्यमंत्री का चर्चा किया गया है कि राज्यपाल को मतलब मंत्री परिषद को चलाने के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 164 का एक में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। तो आर्टिकल 164 का एक में जो है कौन होगा, मुख्यमंत्री का मतलब किस रीजन किया जाएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य का चर्चा किया गया है, आर्टिकल 167 में कर्तव्य का चर्चा है, ठीक है, कर्तव्य का। अब देखिए ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए जो विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है, इन दोनों में किसी एक का सदस्य होना होता है, यानी कि अब मान लीजिए मुख्यमंत्री यहाँ पे है तो विधानसभा का तो बहुमत दल का नेता है, लेकिन सीएम जो है ना विधान परिषद का भी व्यक्ति सीएम हो सकता है, पहले भी बता चुके हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं। जैसे कि विधान परिषद में भी व्यक्ति बैठेगा, अभी विधान परिषद का चर्चा करेंगे हम, यहाँ कौन व्यक्ति बैठता है, तो विधान परिषद में भी व्यक्ति है, विधानसभा में भी व्यक्ति है। अब विधान परिषद और विधानसभा दो सदन है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि विधानसभा का ही मेंबर हो, यानी कि एमएलए होना जरूरी नहीं है, एमएलसी भी विधान परिषद का व्यक्ति भी सीएम बन सकता है, लेकिन उसको बहुमत कहां पारित करना होगा, यहाँ, यानी कि विधान परिषद का व्यक्ति है और वो सीएम बनना चाहता है, तो उसका विधानसभा का आधा से अधिक व्यक्ति अगर इसको सपोर्ट कर दिया तो ये व्यक्ति ही सीएम बन जाएंगे। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, वो कहीं के एमएलए नहीं है, वो किसका मेंबर है, विधान परिषद के मेंबर है, और लेकिन उनको जो है विधानसभा का जो आधा से अधिक लोग सपोर्ट कर दिए हैं, इसीलिए वो सीएम बन गए हैं। तो सीएम बनने के लिए या तो इसका सदस्य हो जाए या इसका सदस्य हो जाए, कोई भी सीएम बन सकता है। सीएम आप भी बन सकते हैं, आपका उम्र अगर 25 साल है तो सीएम बन सकते हैं, ठीक है। कैसे भाई, आप मतलब ऐसा जादू टोना मारिए या जो भी सिस्टम चलता है भाई, किसी तरीके से आप ये 243 गो जो एमएलए है उसमें से आधा 122 को हाईजेक कर लीजिए आप, पैसा देके, जैसे भी हो जादू टोना मार के किसी तरीके से हाईजेक कर लीजिए। 122 गो एमएलए सिग्नेचर कर दिया, राज्यपाल के सामने जाके बोलिए कि राज्यपाल महोदय मेरे पास बहुमत है, 122 गो एमएलए हमको सपोर्ट कर रहा है, तो राज्यपाल आपको तुरंत शपथ दे देंगे, ठीक है, आप सबूत खोजेंगे, तुरंत शपथ दिला देंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, या न तो आप इसका मेंबर है न तो आप इसका मेंबर है, किसी का नहीं है। तो उस परिस्थिति में आप 6 महीना तक सीएम बने रहिएगा, ठीक है। 6 महीना के अंदर या तो आप इसका मेंबर बन जाइए या इसका मेंबर बन जाइए। अगर आप बन जाते हैं, मान लीजिए विधान परिषद का मेंबर बनिएगा तो आपका उम्र 30 साल होना चाहिए, नहीं तो विधानसभा का मेंबर बनते हैं 25 साल होना चाहिए, ठीक है। किसी में एक का मेंबर बन जाएंगे तो आप अस्थायी रूप से सीएम हो जाएंगे जब तक आपकी जो है कि चुनाव ना हो जाए अगली चुनाव, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी सीएम हो सकते हैं, हो गया समझ में, ठीक है। और उसको नियुक्ति कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो याद रखिएगा कि सीएम जो है विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है, विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है ना, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनको नियुक्ति नियुक्त करता है राज्यपाल, राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। और इनको शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं, याद रखिएगा इनको शपथ भी कौन दिलाते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है कार्यकाल, आप लोग सभी जानते हैं कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर बहुमत पहले खत्म हो जाए, यानी कि आप बिहार में देखे कि पहले बीजेपी ना नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू, ठीक है, ये दोनों मिलकर के सरकार चला रहे थे ना, लेकिन जेडीयू यानी नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़ दिए, और फिर इसमें किसमें घुस गए, आरजेडी में घुस गए, आरजेडी में यानी कि तेजस्वी यादव, अब ये दोनों मिलकर सरकार बना लिए, यानी कि जेडीयू से ये इस्तीफा दे दिए नीतीश कुमार जी, बीजेपी जेडीयू का बहुमत से इस्तीफा देकर के ये दोनों आपस में गठबंधन करके फिर से सरकार नीतीश कुमार जी बना लिए,
ठीक है, तो इस प्रकार से चलता रहता है। 5 साल से पहले भी बहुमत खत्म हो जाए तो सरकार गिर जाएगा, ऐसे भी होता है। इनका जो वेतन है ये विधानमंडल निर्धारित करता है, तो सीएम का जो वेतन है वो कौन निर्धारित करता है? विधानमंडल। अब विधानमंडल में कौन है? ये अपना वेतन खुद ही निर्धारित करता है। कैसे? विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद, ये लोग अब देखेंगे अपनी परिस्थिति के अनुसार इनका खर्चा भी जितना भी है सब मिल करके मतलब बिल लाएंगे कि सब एमएलए का वेतन बढ़ा दिया जाए, ये लोग आपस में अब बिल को पास करा लेंगे, आपस में बिल पास करा करके ये लोग खुद अपना वेतन बढ़ा लेंगे। तो विधानमंडल इसका वेतन कौन निर्धारित करता है? ये लोग खुद करता है, विधानमंडल करता है, राज्यपाल सिग्नेचर कर देंगे, हो गया। अब देखिये मुख्यमंत्री का क्या क्या शक्ति होता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इन सब चीजों को, ध्यान में भी रहेगा। नोट्स, अब एग्जाम आपका नजदीक है तो नोट्स नहीं भी बनाइएगा चलेगा, लेकिन क्लास देख लीजिए, कुछ चीजों को नोट कर लीजिए आपको ऐसा लगता है तो, और जो क्लास नया कर रहे हैं वो तो बिल्कुल लिखिए। अब देखिए मुख्यमंत्री का शक्ति और कार्य क्या क्या होता है, तो शक्ति और कार्य लिख लीजिए आप, इनका शक्ति और कार्य क्या क्या होता है। तो ये राज्यपाल को सलाह देते हैं, राज्यपाल को ये क्या करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। दूसरा मंत्री परिषद की अध्यक्षता ये करते हैं, यानी कि मंत्री परिषद में अगर बैठक होता है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद की ये अध्यक्षता करते हैं ना। अब देखिए तो ये मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं, उसके बाद केंद्र से सहयोग स्थापित करते हैं, ये केंद्र सरकार से ना, केंद्र से सहयोग स्थापित करते हैं, ये सारा काम ये करते हैं, केंद्र से सहयोग स्थापित करते हैं ना, ये सारा काम इसका है। और हम अभी बताए कि कार्यपालिका का ये क्या है, वास्तविक प्रधान है, ठीक है। अब राज्य के प्रशासन में जो है मुख्यमंत्री का योगदान सर्वोपरि होता है, यानी कि पूरे राज्य का प्रशासन में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख परामर्श, उसको परामर्श देने का काम करते हैं, परामर्शदाता, और विधानसभा का नेता होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता होते हैं, विधानसभा के नेता होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा घुमा के, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में मुख्यमंत्री किसका सदस्य होते हैं या हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में मुख्यमंत्री किसका सदस्य हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए किसका सदस्यता ग्रहण करनी होती है, राज्यसभा, सॉरी हाँ राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनमें से तीनों, नन। देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए किसकी सदस्यता होनी चाहिए, या तो इसका या तो इसका, राज्यसभा तो हम केंद्र की बात कर दिए, तो ये दोनों में। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्यमंत्री किसका बहुमत दल का नेता होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, विधानसभा। यही यहाँ पे लिखे हैं कि मुख्यमंत्री किस सदन का होता है, विधानसभा का नेता होता है, ये ध्यान में रखना है। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ याद करने वाला चीज तो हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री के बारे में पूरा चीजें समझ लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा में बहुमत पारित करना होता है, ठीक है। तो हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल पढ़ लिए, मुख्यमंत्री पढ़ लिए, अब मंत्री परिषद को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये मंत्री परिषद क्या होता है, चलिए अब ये जो मंत्री परिषद है थोड़ा इसमें हम चर्चा कर लें। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद के बारे में तो आपको बता ही दिए। अब मान लीजिए कि राज्य में किसी पार्टी का सरकार स्थापित हुआ ना, जैसे नीतीश कुमार जी बिहार के मतलब मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार बनाए,
अब उसमें से मान लीजिए उनके पास जैसे कि 243 मेंबर में मान लीजिए उनके पास उनको मतलब उनके पास जो विधायक है मान लीजिए कि 180 विधायक उदाहरण के लिए दिए। अब ये 180 विधायक में मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, उसी में किसी को बना देंगे राज्य का रक्षा मंत्री, उसी में किसी को खनन मंत्री, ठीक है। ये केंद्र स्तर का, इसका राज्य का केंद्र स्तर का मंत्री बनाएंगे इसको, पूरे राज्य का केंद्र स्तर का, ठीक है। खनन, रक्षा, ठीक है, जल मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये इस प्रकार से मतलब शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, ये सब राज्य का केंद्र स्तर का बना देंगे। तो ये क्यों बनाएंगे, क्योंकि इससे इसको काम करने में क्या होगा, आसानी होगा। 15-20 गो व्यक्तियों को मिला करके एक मंत्री का परिषद का गठन कर देंगे। मंत्री परिषद का जो मेंबर होगा वो विधान परिषद का भी हो सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री का व्यक्ति विधान परिषद में है, मुख्यमंत्री को लगता है कि इस व्यक्ति विधान परिषद में, यह फला व्यक्ति है अच्छा शिक्षित है, उसको जो है कि शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। वो विधानसभा का मेंबर नहीं है, वो इसका मेंबर है, तो इसको भी बना देंगे, ठीक है। विधानसभा का मेंबर को भी यहाँ बैठा देंगे, मुख्यमंत्री जिनको बोलेंगे उन्हीं को राज्यपाल शपथ दिला देंगे। तो राज्यपाल शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री के कहने पर, ठीक है। तो सबसे पहले मंत्री परिषद बनने के लिए पहले आपको मंत्री बनना पड़ेगा। मंत्री बनने के लिए किसका सदस्यता होनी चाहिए, विधानमंडल का। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आता है, किसी एक का मेंबर रहिए तब आप क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा मंत्री बनने के लिए किसका सदस्य होना चाहिए, विधानमंडल का। ऐसे भी विधानमंडल रह सकता है ऑप्शन में, नहीं तो राज्यसभा सॉरी मतलब विधान परिषद, विधानसभा भी ऑप्शन में रह सकता है, आप ऑप्शन के अनुसार मान लेंगे। अब मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद की केंद्र स्थिति और इसके निर्णय और इसके जीवन के निर्णायक केंद्र होता है। कहने का मतलब हो गया कि मंत्री परिषद का निर्णायक भूमिका किसके पास होता है, निर्णायक भूमिका सीएम के पास होता है, यानी कि मुख्यमंत्री जिसको चाहे जब चाहे मंत्री से हटा सकता है, जब चाहे। उनको लगता है कि शिक्षा मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है, राते को राज्यपाल को बोल देंगे कि राज्यपाल महोदय जी फला व्यक्ति को मतलब कि हटा देना है और फला व्यक्ति को हम भेज रहे हैं, इनको जो है शिक्षा मंत्री का शपथ दिला दीजिए। तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में ये पावर है, ठीक है। लेकिन वो हटाएंगे कौन, राज्यपाल ही हटा सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल तो परामर्शदाता के रूप मतलब कि इनका एक प्रकार से सीएम के कर काम का मतलब बातों का ही फॉलो करते हैं एक प्रकार से, ठीक है। उनके पास ज्यादा पावर नहीं होता है, कुछ पावर उनके पास भी है, वो बाद में चर्चा बताए थे, राज्यपाल पढ़ाए थे वहां बताए थे। अब देखिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप लोग ये सब जितना हम टॉपिक बोल रहे हैं उसको आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को हटा सकता है, आप लोग लिख लीजिए कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर किसी भी मतलब कि राज्यपाल जो है लेकिन मतलब मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को हटा सकता है। ये अगला पॉइंट में लिख लीजिए, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के कार्यों का अवलोकन और मतलब कि ये समन्वय मतलब करता है। मुख्यमंत्री जो है मंत्रिमंडल के कार्यों का अवलोकन यानी लेखा जोखा और समन्वय भी स्थापित करता है, ठीक है। ये सारा काम मंत्री परिषद का है। अब देखिए इसमें से कुछ वर्ड आएंगे आपका, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इससे। इसमें एक आता है आपका मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद स्तर के मंत्री। इसमें क्या क्या आता है, एक आता है आपका मंत्री परिषद स्तर के मंत्री, मंत्री आजकल हमसे ये जो पढ़ा है ना ये ठीक से नहीं हो पाता है, अच्छा आप लोग समझ रहे हैं, मंत्री परिषद, ठीक है, स्तर के मंत्री। इसमें आप लोग देश दे के लिखिएगा, उसके मंत्री परिषद स्तर के मंत्री के बाद होता है राज्य स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, ये ध्यान में रखना है, ठीक। और राज्य स्तर के जो मंत्री उसके बाद आप लोग देखेंगे कि राज्य मंत्री होता है,
ये राज्य स्तर के मंत्री जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। देखिएगा स्वतंत्र प्रभार, आपके गांव में अगर कोई मंत्री आएगा ना, देखिएगा उसमें ब्रैकेट में स्वतंत्र प्रभार अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ लीजिएगा ये दूसरे स्तर का मंत्री है। उसके बाद होता है राज्य स्तर के मंत्री, ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं। और एक होता है उप मंत्री, उप मंत्री, उप शिक्षा मंत्री न, उप जल मंत्री, नहीं वो काम करते वो लगा दिए, ठीक है। अब इस तरह ये चार प्रकार के होते हैं। देखिएगा जो मंत्री परिषद स्तर के मंत्री होते हैं इसके सामने आप देश दे के लिख लीजिएगा, ये अपने विभाग के प्रधान होते हैं और अपने कार्यकलाप के मामले में स्वतंत्र होते हैं, इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। ये अपने विभाग के प्रधान होते हैं और अपने कार्यकलाप के मामले में ये स्वतंत्र होते हैं। जो राज्य स्तर के मंत्री है उसमें आप लोग लिख लीजिएगा, राज्य स्तर के मंत्री में मंत्री परिषद में ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं, इसमें लिख लीजिएगा, ये मंत्री परिषद में ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं जिसको स्वतंत्र प्रभार भी कहा जाता है। जो राज्य मंत्री होता है ये मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री है उसकी सहायक की भूमिका निभाते हैं, लिख लीजिए। जो राज्य मंत्री होता है, जो मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री है ना, जो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री है इसकी सहायक की भूमिका निभाता है, लिख लीजिए इसके सामने। और उप मंत्री के नीचे में यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये चौथे स्तर के मंत्री होते हैं, ये जो है चौथे स्तर के मंत्री होते हैं, क्लियर, ये हो गया। अब अगर आपसे पूछ ले कि मंत्री परिषद, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, मंत्री मंडल में क्या अंतर है, देखिए जो मंत्री परिषद है ये बड़ा हिस्सा है, ये बड़ी संस्था है, मंत्रिमंडल छोटी संस्था है। मंत्री परिषद के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद स्तर के मंत्री आप लिख लीजिए, मंत्री परिषद के अंतर्गत, ठीक है, मंत्री मंडल स्तर के मंत्री, इसमें राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री, ये सभी शामिल होते हैं, इसमें लिख लीजिएगा। मंत्री परिषद में ऐसे करके मंत्री परिषद में मंत्री मंडल स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मतलब की स्तर के मंत्री, ये सभी शामिल होते हैं। अर्थात मंत्री मंडल मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है, उसी में लिख लीजिएगा। अर्थात मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा ये चीजें। और अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो जितना भी मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री हैं वो सब मंत्री परिषद के ही हिस्सा है। तो जितना भी, अगर दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए कि मंत्रिमंडल स्तर के जितना भी सदस्य हैं वो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मंत्री मंडल और इसमें लिख दीजिएगा मंत्री परिषद। तो मंत्री मंडल के जितना भी मेंबर हैं वो सब मंत्री परिषद के हिस्सा है, लेकिन उसी में लिखिएगा, लेकिन मंत्री परिषद के सभी मेंबर मंत्री मंडल के हिस्सा हो ये आवश्यक नहीं है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मंत्री परिषद के सभी मेंबर मंत्री मंडल के हिस्सा होते हैं, ऑप्शन में आएगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई, इसको रटने से नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट इसको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो मंत्री परिषद क्लियर हो गया आपका, मंत्री परिषद का गठन कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, मतलब उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। मेंबर जो है विधान परिषद का भी हो सकता है, विधान सभा का भी हो सकता है ना, यानी कि विधानमंडल में उनको मंत्री का ये होना चाहिए, क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग का बच गया महाधिवक्ता, देखिए महाधिवक्ता ये जो है ना कानून के मामले में सरकार को सलाह देने के काम करता है,
कानून के मामले में सरकार को सलाह यानी कि कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं ये, ठीक है। तो हम बोले थे कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। क्लियर, क्लियर होगी आपका सारा चीजें, एकदम कॉन्सेप्ट में रखिएगा सारा चीजें, रटना ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों का बच गया विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, तो हम इसको अगली क्लास में करेंगे विधानसभा और विधान परिषद को, ठीक है। इसमें कोई भी चीजें आपको रटने वाला चीजें नहीं लगना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। मेरा क्लास जो शुरू से कर रहे हैं तो उनका पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसीलिए तो आप लोग क्लास को एकदम शुरू से मतलब कीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट कर रहे हैं, जो किए हैं क्लास तो वो ठीक है, उनका तो सारा समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्लास में बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, ठीक है। इसमें यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।